कुरुद विधानसभा में पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपा साहू के आगमन पर उनकी पुत्री राखी साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीलम चंद्राकर ने पूर्व विधायक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और साहू समाज के लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं। साथ ही कहा कि मैं खुद उनके पार्टी के मुख्य से अपील करूंगा कि जो लोकतंत्र के द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को गाली देते हो, ऐसे लोगों को कुरुद विधानसभा में टिकट ना दिया जाए। वहीं नीलम चंद्राकर ने कहा कि दीपा साहू जी के लिए मैंने अपमानजनक बात नहीं की है, यह आरोप बेबुनियाद है। आज कुरुद में प्रेस वार्ता ले रही हूँ, उसका जो ये है मतलब है कि नीलम चंद्राकर जी कुरुद मंडी अध्यक्ष द्वारा चैनल के माध्यम से मैं सुनी हूँ कि मेरी मम्मी जो दीपा साहू जी थी वो 85 में, 90 में और 98 में और 2003 में चुनाव लड़ी है ना, वो चुनाव लड़ती थी, उनको अर्जुन सिंह ने टिकट दिया थे और वो ऐसे चुनाव लड़ती थी कि उनका कहीं पे कोई विरोध नहीं होता था, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिलता था। लेकिन उस समय नीलम चंद्राकर जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो 98 से सक्रिय राजनीति में आए हैं। उनका बार बार ये बोलना कि दीपा साहू जी निष्क्रिय रहती थी, दीपा साहू जी यहाँ पे आती नहीं थी, है ना, और परोसा हुआ कैंडिडेट है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात पर मुझे बहुत आपत्ति है और मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है, क्योंकि उनकी राजनीति को हम लोग देखे हैं, वो सबको समान भाव से लेके चलती थी और बहुत ही सिंपल राजनीति वो करती थी। तो मैं जो ये सुनी हूँ उसी बात पे मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली को अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बहुत बांटी और टिकट मिला, उसका कारण भी बहुत साफ सुथरी हमारी राजनीति। ऐसा है कि क्या वो बोली है राखी साहू जी और क्या बैठ दी, मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी को आहत करने वाली बात अभी तक कहीं नहीं बोली है। जितने भी टीवी चैनल बाइट पर पुराने विधानसभा चुनाव के निष्कर्षण पर बात होती है, एक कॉमन एक विश्लेषण होता है कि किसी का कोई भी आप लोग चैनल वाले आते हैं तो उसमें भी एक विश्लेषण पूछा जाता है, भाई 1998 में क्यों हारे, 2003 में क्यों हारे, 8 में कैसे जीते, 13 में क्यों हारे, 18 में क्यों हारे, ऐसे एक विश्लेषण पूछते हैं, उस पर एक विश्लेषण चर्चा किया जाता है, किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप वाली बात नहीं है। रही सवाल उनको अगर कोई ठेस पहुंची है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध है, दीपा साहू जी से हमारा एकदम पारिवारिक संबंध है, आज भले वो नहीं है लेकिन उनसे हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र पारिवारिक रूप से उनका संबंध रहा, घर में उनका आना जाना रहा, ऐसा कोई ठेस पहुंचने वाली बात कहीं पर बोला नहीं गया है। जितने भी वीडियो ऑडियो है उसमें देख सकते हैं।